अगर आपका अकाउंट SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि आपका SBI का ATM कार्ड या तो फिर डेबिट कार्ड को आप कैसे खुद से ही ऑन कर पाएंगे और खुद से ही उसे ऑफ भी कर पाएंगे। ना तो आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, ना तो आपको यूनो ऐप पे रजिस्ट्रेशन करने का झमेला लेना पड़ेगा, ना तो आपको नेट बैंकिंग पे लॉग इन करने का झमेला झेलना होगा, ना तो आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा। आप खुद से ही आपका जब भी मन करे आप आपके कार्ड को ऑन कर पाएंगे, आपको जब भी मन करे आप आपके कार्ड को ऑफ करके भी रख पाएंगे। इससे क्या होगा, आपका कार्ड सेफ रहेगा और आपके दिमाग से भी टेंशन हट जाएगा। अगर आपका कार्ड खो भी जाए तो आपको कोई भी टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं होगा। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभी, वेलकम बैक टू माय चैनल एपेक्स टॉक। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट कार्ड या तो फिर ATM कार्ड को आप कैसे खुद से ही ऑन ऑफ कर पाएंगे। आपके जब जरूरत होगा आपको तो आप ऑन भी कर पाएंगे और आप ऑफ भी कर पाएंगे। SBI का जो नया सर्विस है SBI क्विक बोल के, SBI क्विक एक ऐप है SBI द्वारा बनाया गया, तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर या फिर एप्ले स्टोर में मिल जाएगा। अगर आपको उसे डाउनलोड करना है तो आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप जाके एक बार डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप SBI क्विक के मदद से कोई भी रजिस्ट्रेशन ना करते हुए आपका जो कार्ड है उस कार्ड को खुद से ऑपरेट कर पाएंगे, जो कि आपको आगे जाकर बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। क्योंकि अगर आपका कार्ड खो जाए या तो फिर किसी ने चुरा लेता है तो आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप खुद से ही आपका जो कार्ड है उस कार्ड को ऑन भी कर पाएंगे और ऑफ भी कर पाएंगे। तो आप एक बार SBI क्विक ऐप को फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और चलिए आगे देखते हैं SBI क्विक ऐप से कैसे आप आपके कार्ड को ऑन ऑफ कर पाएंगे। तो आपको आपकी जो SBI के डेबिट कार्ड या तो ATM कार्ड को अगर ऑन ऑफ करना है तो आपको पहले SBI क्विक ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा, जो कि मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसे मैं फटाफट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको आपकी ATM या तो फिर डेबिट कार्ड को ऑन ऑफ करना है तो आपको सेकंड में जो ऑप्शन है ATM कम डेबिट कार्ड, ये वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। गाइज, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं है, तुरंत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक और NRI का ऑप्शन है, अभी मैं आपको डोमेस्टिक वाला दिखाता हूँ। तो डोमेस्टिक में यहाँ पे देखिए ATM कार्ड ब्लॉकिंग का ऑप्शन है फास्ट में, उसके बाद ATM कार्ड स्विच ऑन ऑफ का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सीधे स्विच ऑन ऑफ के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। स्विच ऑन ऑफ के ऑप्शन पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर, मतलब कि जिस कार्ड को आप यहाँ से ऑन ऑफ करना चाहते हैं, आपका जो SBI का अकाउंट में जो कार्ड लिंक है उस कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो इसे मैं एंटर कर दिया। तो ATM का लास्ट 4 डिजिट डाल देने के बाद यहाँ पे देखिए चैनल्स बोल के ऑप्शन है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है ATM का ऑप्शन, अगर आप ATM से पैसा विड्रॉल करते हैं तो उसको अगर आप ऑफ कर देते हो तो आप ATM से पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर ये ऑन रहेगा तो आप फिर से आपके जो ATM है उस ATM से आप पैसा विड्रॉल कर पाएंगे। उसके बाद है पॉज का ऑप्शन, मतलब कि आप जो स्वाइप करके जो पेमेंट वगैरह करते हो उसका अगर आप ऑफ करके रखते हो तो ये जो ऑप्शन है आप पॉज मशीन से स्वाइप मशीन से कोई भी पेमेंट आपके जो ATM या तो फिर डेबिट कार्ड है उससे आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप ई कॉमर्स का ऑप्शन बंद करके रखते हो, ऑफ करके रखते हो, तो आप ऑनलाइन पे कोई भी पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन जो भी शॉपिंग प्लेटफॉर्म होता है, ऑनलाइन जो भी वेबसाइट होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हो, वो पेमेंट अगर ये वाला ऑप्शन ऑफ रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसे आपको ऑन अगर आप कर देते हो फिर से तो ये ऑप्शन आपका ऑन हो जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल जो यूज़ है वो आप ऑन करके रखना चाहते हो तो ऑन कर सकते हो, या तो फिर आप ऑफ करके भी रख सकते हो, या तो फिर आपका नीचे में है लास्ट में डोमेस्टिक ऑप्शन, डोमेस्टिक अगर आप ऑफ करके रखना चाहते हो तो ऑफ हो जाएगा, अगर आप ऑन करना चाहते हो तो ऑन हो जाएगा। तो एक मैं आपको दिखाता हूं, पहला वाला जो ऑप्शन है ATM तो अभी मुझे ऑफ करके रखना है तो मैं ऑफ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पे आपको सबमिट कर देना होगा, यू हैव सिलेक्टेड ATM ऑफ, ओके पर मैंने क्लिक कर दिया। ओके पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे मेरे फ़ोन पे जो मैसेज है मैसेज बॉक्स पे लेके आएगा आपको। यहाँ पे देखिए SWOFF ऑफ ATM स्पेस 6582, मेरा जो कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो मुझे ऑफ करना है, इसलिए ये जो मैसेज है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद इस मैसेज को मुझे सेंड करना होगा। कौन से नंबर पे सेंड करना होगा, जो नंबर मेरा अकाउंट में रजिस्टर किया है उसी नंबर से मुझे इस मैसेज को सेंड करना होगा।
तो मैंने इसे सेंड कर देता हूँ। सेंड कर देने के बाद यहाँ पे देखिए क्या होता है, मैं इस मैसेज को सेंड कर दिया, उसके तुरंत मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आ चुका है। यहाँ पे देखिए, डियर कस्टमर, योर रिक्वेस्ट फॉर स्विचिंग ऑफ एटीएम सर्विस फॉर कार्ड नंबर 6582 इज प्रोसीड सक्सेसफुली। तो मेरा जो कार्ड नंबर है, मेरा जो कार्ड है वो अभी ऑफ हो चुका है एटीएम यूज़ के लिए, मतलब इस कार्ड से अभी मैं कोई भी पैसा विड्रॉल नहीं कर पाऊँगा एटीएम के थ्रू। ये जो मेरा कार्ड का नंबर है, ये आपको लास्ट में जो 4 डिजिट नंबर है, ये आपको अगर पता भी चल जाए तो भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो रजिस्टर फ़ोन नंबर है उसी नंबर से इस मैसेज को आपको सेंड करना होगा। तो फिर से मैं मेरा जो कार्ड मैं ऑफ करके रखा हूँ, उस कार्ड को मैं ऑन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे फिर से आपको जाना होगा एटीएम कार्ड स्विच ऑन ऑफ के ऑप्शन पे, उसके बाद आपका जो कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना होगा। उसके बाद एटीएम ऑन करके रखना है मुझे अभी, क्योंकि मैं पहले ऑफ कर चुका हूँ, तो मुझे ऑन पर क्लिक करके यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव सिलेक्टेड एटीएम ऑन, ओके। उसके बाद ये जो मैसेज है, ये मैसेज अलग है, देखिए SWON ATM 6582, ये जो मेरा मैसेज है, ये मैसेज मेरा जो रजिस्टर नंबर है, इसमें रजिस्टर नंबर से मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये जो मैसेज है ये सेंड हो गया। गाइज, ये जो मैसेज वगैरह सेंड होता है इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना होगा, ये पूरा फ्री है। उसके बाद देखिए तुरंत मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आ गया है, यहाँ पे देखिए, डियर कस्टमर, योर रिक्वेस्ट फॉर स्विचिंग ऑन एटीएम सर्विस फॉर कार्ड नंबर 6582 इज प्रोसीड्स सक्सेसफुली। ये जो रेफरेंस नंबर है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब पहले मैंने मेरा जो कार्ड है उसे ऑफ किया, फिर आपको ऑन करके भी दिखाया। तो आपको जिस भी ऑप्शन को ऑन ऑफ करना है उसे आप तुरंत कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने का ज़रूरत नहीं, आप बड़ी आराम से कोई भी ऑप्शन को आप ऑन करके रख सकते हैं, कोई भी ऑप्शन को आप ऑफ करके भी रख पाएंगे। तो गाइज, आपने देखा SBI क्विक ऐप से आपका कार्ड को ऑपरेट करना कितना आसान है और कितना सिंपल है। इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन करने का जरूरत नहीं है, इसकी वजह से कोई भी इसे आपको बड़ी ही आसान से यूज कर पाएगा। अगर आपका अकाउंट SBI में है तो आपके फोन में भी SBI क्विक ऐप जरूर होना चाहिए, ताकि इसका जो बेनिफिट है बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल है। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।